और नगर पालिका डोईवाला में 5 साल का कार्यकाल पूर्ण होने पर बोर्ड की आखिरी बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष सुमित्रा मनवाल और सभासदों को बधाई भी दी गई है, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष सुमित्रा मनवाल और सभासदों के 5 साल का सफल कार्यकाल पूर्ण होने पर उन्हें सम्मानित भी किया गया। समारोह में नगर पालिका के सभासदों ने कहा कि 5 सालों में डोईवाला में जमकर विकास हुआ है, सभी सभासदों ने मिलजुल कर विकास के कार्य किए हैं और आगे भी वो जनहित के लिए कार्य करते रहेंगे। सभासद ईश्वर रौथाण, प्रतिनिधि मनीष नेगी और अमित कुमार ने इन 5 सालों को बेमिसाल बताया। वहीं नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी उत्तम सिंह नेगी ने कहा कि नगर पालिका के बोर्ड का समापन हुआ, लेकिन आम जनता के लिए नगर पालिका के कार्य पहले की तरह ही सुचारू रूप से चालू रहेंगे। डोईवाला से जाबिद हुसैन की रिपोर्ट। अच्छा अनुभव रहा है इन 5 सालों में और काम करने की शैली भी बहुत अच्छी रही और हमारे जो अधिशासी अधिकारी और हमारे नगर पालिका अध्यक्ष महोदय का भी बहुत मैं आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर और हम उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चले और उन्होंने हमारी जन समस्याएं बहुत मैं सर्वप्रथम बार पालिका के चुनाव लड़के निर्वाचित होकर मैं पालिका में आया था, शपथ ग्रहण करी थी, तो बहुत अच्छा लगा। एक वो भावुक क्षण था और आज 5 साल हमारे पूरे हो गए, तो इस दौरान जो सफ़र हमारा रहा, बीच में कोरोना काल भी आया, हमने बहुत मेहनत की, बहुत प्रयास किए, जनता के साथ अपना संवाद बना रखे, जनता के हर काम के लिए आगे खड़े रहे और जनता बोर्ड ने अपने 5 साल का कार्यकाल पूर्ण किया। इसी के तहत अंतिम बोर्ड बैठक ये विदाई बोर्ड बैठक आहूत की गई थी, इसी में सब लोगों ने अपने अनुभव साझे किए और उसको अंतिम विदाई दी गई सभी को द्वारा। इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया कल 2 दिसंबर से। धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ये जो हमारा 5 वर्ष का जो कार्यकाल था आज ये पूरा हो चुका है और इसमें जितना भी हो सका नगर पालिका द्वारा, हमारे द्वारा जितना भी हो सका पब्लिक के काम हमारे द्वारा किए गए हैं, जिसमें नगर पालिका के ईओ और माननीय अध्यक्ष महोदय का पूरा सहयोग मिला है। बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पार्टीवाद के, सब ने मिलजुल कर एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के